खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा लड़ेंगी चुनाव, बीजेपी ने किया औपचारिक ऐलान। साध्वी प्रज्ञा की कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह से होगी टक्कर। एबीपी न्यूज से बातचीत में जयाप्रदा पर आजम के बयान पर डिंपल ने कहा कि किसी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन साथ ही डिंपल यादव ने सुषमा स्वराज से भी सवाल पूछे कि वो पहले कहां थी जब उनकी पार्टी के लोग ऐसे बयान देते थे। बिजनौर में पोलिंग पार्टी रवाना होने के दौरान जबरन ईवीएम मशीन उठाने से मना करने पर एसडीएम ने होमगार्ड को चाटा मार दिया, जिसके बाद होमगार्ड और जिला प्रशासन आमने सामने आ गए। बीजेपी ने कांग्रेस से किया सवाल, क्या कांग्रेस दलित के राष्ट्रपति बनने के खिलाफ है? चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। अशोक गहलोत ने दिया था बयान कि बीजेपी ने गुजरात में चुनावी फायदे के लिए रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया था। बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार के काफिले को गाँव वालों ने रोका। आरक्षण और जेएनयू में नारेबाजी को लेकर पूछे सवाल, प्रशासन ने लोगों को शांत कराया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी से नाराज, मथुरा में कुछ स्थानीय नेताओं को पार्टी में वापस लेने पर जताया गुस्सा। प्रियंका से बदसलूकी के आरोप में उन नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन नेताओं को फिर से पार्टी में ले लिया गया। बिहार के वैशाली से एक निर्दलीय उम्मीदवार को चुनावी पर्चा दाखिल करना महंगा पड़ा। पुराने केस के सिलसिले में पुलिस ने निर्दलीय उम्मीदवार नबी हसन को गिरफ्तार किया। योगी आदित्यनाथ से मिले गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन, लिया जीत का आशीर्वाद। महाराष्ट्र के सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस भी प्रचार के लिए मैदान में उतरी। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज कोटक के प्रचार में शामिल हुईं।